अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विजन। आपके साथ शेयर कर रहे हैं ब्राउनी बनाने की परफेक्ट रेसिपी। इसके लिए चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। दो आपको अंडे चाहिए, इसके बाद आपको 1 कप जो है वो चॉकलेट चिप्स चाहिए। मैदा आप ले लीजिए 1.5 कप। चीनी आपको चाहिए 1 कप। बेकिंग पाउडर आप लीजिए 3-4 टीस्पून, बेकिंग सोडा भी 3-4 टीस्पून, और 1 पिंच सॉल्ट ले लीजिए। कोको पाउडर आप 1/2 कप ले लीजिए। इन सब चीज़ों को साइड में रख दीजिए। अब दोनों अंडों को आपने तोड़ना है और उसके बाद किसी इलेक्ट्रिक बीटर से आपने इसे बीट करना शुरू करना है। जब ये हाफ डन हो जाए, देखिए इस तरह जब ये बीट हो जाए, तो इसमें चीनी ऐड कर दें। चीनी आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ ही ये ग्राइंड हो जाएगी। आप इसे तकरीबन 10 मिनट तक बीट कीजिए। चीनी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दीजिए और 4 टेबल स्पून आपने मिल्क ऐड कर देना है। इसे कुछ देर के लिए बीट करें और इसके बाद जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें आप किसी स्ट्रेनर से छानते रहिए और इसमें ऐड करते रहें। इसे आप इस तरह से मिक्स करते रहें। एक साथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए मैंने इस तरह डाला है और मैं मिक्स करते जा रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, देखिए इस तरह का ही मिक्सचर बन जाएगा। इसमें आपने 1/4 कप फुल बॉइलिंग वाटर डाल देना है। इसे मिक्स कीजिए आप अच्छे से। वनीला एसेंस डालिए 1 टीस्पून और इसके बाद आप इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड कर दीजिए और इसे मिक्स करके पहले से ग्रीस हुए हुए पैन में डालें और इसे आप ओवन में 20-25 मिनट्स 180 डिग्री पर बेक कर लीजिए। ये देखिए हमारी ब्राउनी बहुत अच्छे से बेक हो गई है। इसे कट कीजिए पीसेस में। कुकिंग चॉकलेट लीजिए और उसे आप ओवन में मेल्ट कर लीजिए या डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लीजिए और इसके ऊपर डाल दीजिए। मैंने इसके ऊपर बॉयलर डाले हैं, आप और भी कोई ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकती हैं। और आप इसे खाइए, आप देखिए किस कदर मज़े की ये बनेगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।